दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी देश की कुछ बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल है। इंडियन आर्मी को जो रिस्पेक्ट और रुतबा मिलता है वो हम सभी आइडियलाइज करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स किसको एनवी करते हैं? जी हाँ, पैराशूट रेजिमेंट। पैराशूट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की एक एयरबॉर्न इन्फेंट्री रेजिमेंट है। पैरा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे एलीट यूनिट मानी जाती है। इस यूनिट को एलीट बनाती है इसकी बेहद टफ सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग। दोस्तों, अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पैरा के रिक्रूट्स की बेसिक ट्रेनिंग बेंगलुरु में स्थित पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में होती है। पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना सबसे पहले 1952 में कोटा में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की ट्रेनिंग सेंटर के अंडर पैरा ट्रेनिंग विंग के रूप में की गई थी। 1992 में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को बेंगलुरु में शिफ्ट कर दिया गया। ये बेसिक ट्रेनिंग सोल्जर्स को मेंटली और फिजिकली बहुत टफ और अजाइल बनाने के लिए करवाई जाती है। पैरा ट्रेनीज का एक नॉर्मल दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे उठकर सोल्जर्स को तैयार होकर सुबह 5:30 बजे तक ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचना होता है। एक रेगुलर वार्म अप के बाद एंड्योरेंस और स्टेमिना बिल्डिंग करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करवाई जाती है। ट्रेनिंग में अपर बॉडी, लोअर बॉडी और एब्डोमेन को मजबूत बनाने के लिए क्रोकोडाइल वॉक, रोप क्लाइंबिंग और पुशअप्स, पुलअप्स और क्रंचेस जैसी एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। सोल्जर्स को बार बार रेगुलर एक्सरसाइजेस करवा के उनके ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाया जाता है। एक पैरा सोल्जर को बस फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान इन सोल्जर्स के विल पावर की कड़ी परीक्षा ली जाती है। पैरा ट्रूपर्स को अलग अलग प्रकार के टेरेन्स जैसे माउंटेन्स, डेजर्ट्स और जंगल में ऑपरेट करने के लिए फ्लेक्सिबल और एजाइल बनाने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा पैरा ट्रूपर ट्रेनीज को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैप रीडिंग और वेपन हैंडलिंग की रिगरस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। एक पैरा ट्रूपर की लाइफ में डर और हार की कोई जगह नहीं होती, इसलिए सोल्जर्स को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। ट्रेनीज को ऊंचे बीम्स के ऊपर वॉक करना होता है जिसे कॉन्फिडेंस वॉक के नाम से जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में एक सोल्जर को सामने की ओर देखते हुए अपने हाथों को पूरी तरह स्विंग करके ऊंची और पतली बीम्स पे वॉक करना होता है। पैरा ट्रूपर्स को मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी ऑपरेशन को पूरा करना होता है। उनके लिए नाकामयाबी कोई ऑप्शन नहीं होता। एक पैरा ट्रूपर बिना किसी इक्विपमेंट और हथियार के भी लड़ने में सक्षम होता है। पैरा का हर एक सोल्जर अपने आप में एक फुल फ्लेश्ड वेपन सिस्टम होता है। एम्यूनेशन खत्म हो जाने के बाद भी एक पैरा ट्रूपर्स को मिशन पूरा करना होता है और दुश्मन को मार गिराना होता है, जिसके लिए उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए उन्हें मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जाता है। पैराशूट रेजिमेंट का बेसिक कोर्स इतना टफ होता है कि 35-45% रिक्रूट्स इस दौरान ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। आई होप पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जानकर आपको भी इस रेजिमेंट को ज्वाइन करने का मोटिवेशन मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।